जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में वन नेशन वन लॉ कार्यक्रम आयोजित किया गया था राष्ट्र चेतना समिति के द्वारा। राष्ट्र चेतना समिति के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था डीएलएफ फेज टू के अंदर, जहाँ पर विपिन गुप्ता और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी मनीष यादव जी ने। आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के समर्थन में नारे लगाए और पूरी तरह से अपना समर्थन इसको दिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और उनके संबोधन को लोग शुरू से लेके अंत तक एक टक सुनते ही रहे और सुनने के बाद में सभी ने एक मत यूसीसी के समर्थन में अपनी नारेबाजी की और अपना पूरी तरह से कहा कि यूसीसी भारत में आना चाहिए, क्योंकि इसके आने के बाद में ही भारत एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बन पाएगा और वन नेशन वन लॉ जो है उसकी परिपाटी संपूर्ण हो पाएगी। देखिए यह खास खबर, इसको शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी इस खबर के बारे में जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। में हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की जनता को बताइए कि यूसीसी क्या है। देखिए, यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है कि लोगों का ड्रेस एक समान हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है कि लोगों का सबको एक जैसा पूजा पद्धति हो जाएगी। ये यूनिफॉर्म टैक्स कोड नहीं है कि सबका टैक्स एक जैसा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड नहीं है कि सबका जो कस्टम एक जैसा हो जाएगा। यूनिफॉर्म ट्रेडिशन कोड नहीं है कि यूनिफॉर्म सबका ट्रेडिशन एक जैसा हो जाएगा। सिंपल सा ये सिविल कोड है, इसका मतलब जो सिविल राइट है वो एक होगा और उसमें 10 चीज़ें होंगी। पहला ये हो जाएगा, शादी विवाह की उम्र सबकी देश की बेटियों का एक समान हो जाएगा। वो 18 साल होगा या 20 साल होगा वो पार्लियामेंट तय करेगा। दूसरा क्या होगा, सबकी शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। तीसरा ये होगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक समान हो जाएगा। अभी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग अलग हैं, किसी का नपुंसकता के आधार पर है, किसी का बचपन के आधार पर है, किसी का कोड होने पर अलग अलग ग्राउंड चल रहा है। तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी एक हो जाएगी। अभी तलाक लेने की प्रक्रिया अलग अलग चल रही है। हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो जो कोर्ट होता है वो फैमिली कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों को आज भी तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-बाइन, तलाक-ए-कनाय का न्याय मिल रहा है। तो जब ग्राउंड साफ डिवोर्स प्रोसीजर डिवोर्स एक समान हो जाएगा तो इसका सबसे ज्यादा जो फायदा मिलना है इनफैक्ट मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कूलिंग पीरियड एक समान हो जाएगा। कूलिंग का पीरियड मतलब दोनों तैयार हो गए हैं अपनी तलाक लेने के लिए, तो उसमें कितना गैप करना, 3 महीने करना, 6 महीने करना है, इसका जो फायदा मिलेगा हमारी क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा, क्योंकि अभी वहाँ पर जो कूलिंग पीरियड है 2 साल का चल रहा है, जबकि हिंदू में कूलिंग पीरियड मात्र 6 महीने का है। बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा। वसीयत का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा। विरासत का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा। भरण पोषण का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। तो बाकी सब पे लागू है, लेकिन मुस्लिम बेटियों पे लागू नहीं हो रहा, इसलिए सबसे ज़्यादा परेशान हुई है। इसी तरीके से माता पिता की देखभाल का अधिकार भी एक हो जाएगा। और हमने अपनी तरफ से सजेस्ट किया है कि इसमें हम दो हमारे दो भी जोड़ दिया जाए, जिससे कि ये अपने आप में कंप्लीट हो जाए, फिर अलग से पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ नहीं बनाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इससे जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा यूसीसी वो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा। पारसी बेटियों में भी भेदभाव है, उनको भी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट नहीं है, तो पारसी बेटियों को मिलेगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख जो हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। केवल इतना आएगा कि अभी हिंदू जैन बौद्ध सिख में जो लड़की की शादी की उम्र 18 है और लड़की की 21 है, वो दोनों एक समान हो जाएगा। तो या तो लड़के का 18 हो जाएगा या लड़की की 21 हो जाएगा, जो भी होगा उद्देश्य में एक समान हो जाएगा। तो थोड़ा सा बहुत इफेक्ट आएगा हिंदुओं, हिंदू जैन बौद्ध सिख पे, लेकिन सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट होगा वो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। इस कानून के आने से बहुत सारे जो कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हलाला, मुता, मिसयार, तहरुस, दारुल कज़ा, इस टाइप की जो कुरीतियाँ हैं जो चल रही है आज भी, तलाक-ए-हसन जो कुरीति है, स्वाभाविक सी बात है हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अधर्म की स्वतंत्रता नहीं देता। हमारा संविधान रीतियों की स्वतंत्रता देता है, कुरीतियों की स्वतंत्रता नहीं देता। हमारा संविधान प्रथा की स्वतंत्रता देता है, कुप्रथा की आज़ादी नहीं देता है। तो कुछ लोग जो अभी संविधान में धार्मिक आज़ादी के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। आप राष्ट्रहित की बात करेंगे, हम राष्ट्रहित इसमें क्या रहेंगे, मेन राष्ट्रहित जनता को बताइए ताकि जनता जान सके कि इसमें राष्ट्रहित है, राष्ट्र क्या ही है। इसमें राष्ट्रहित, सबसे बड़ा राष्ट्रहित तो ये है कि हमारा देश में संविधान है। संविधान का मतलब संविधान, समान विधान, सबके लिए एक समान विधान। तो एक देश एक विधान आएगा, यानी कॉमन सिविल कोड आएगा, तो सबसे बड़ा फायदा हुआ, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। कच्छ से कामरूप तक और केरल से कश्मीर तक और लक्षद्वीप तक सबके लिए एक जैसा कानून हो जाएगा।
देश की बहन बेटियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो उनको सब जगह इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, उनको भी समान अधिकार मिल जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर भारत में टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है तो 70 करोड़ महिलाएं हैं, और 70 करोड़ महिलाओं में 10 करीब 15 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं। स्वाभाविक सी बात है, मतलब कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी बराबर संख्या में यहाँ महिलाएं रहती हैं। तो एक देश एक विधान से राष्ट्र की एकता अखंडता मजबूत होगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फायदा होगा जेंडर जस्टिस का, कि महिलाओं को उसी भावना के अनुरूप यहाँ पे सम्मान मिलेगा जैसा भारत। देखिए, यूसीसी की मांग देश की आजादी से लेकर अब तक रही है, और ये देश में समानता लाने का कानून है, और उसको देश में लागू कराने के लिए ये इस प्रकार की गोष्ठी के माध्यम से एक जागरूकता लोगों के बीच में लाई जा रही है, क्योंकि इस कानून को लेकर बहुत सी भ्रांतियां लोगों के अंदर फैलाई जा रही है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। तो इस प्रकार जब रूबरू होकर उस पर तथ्य रखकर लोगों के सामने जानकारी दी जा रही है, तो इसमें लोगों को स्पष्टता आएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर जिस दिन लागू होगा, एक समानता का माहौल पूरे देश के अंदर और देश की तरक्की और देश की उन्नति में वो भागीदारी बनेगा। संविधान में हम कोई अच्छाई के लिए चेंजमेंट करते हैं तो दूसरी पार्टी हमला क्यों करती है? देखिए, हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और जब भी कोई बात, चाहे वो परिवार में हो या देश में, उसका मत अलग हो सकता है लेकिन उसका उद्देश्य एक होना चाहिए। तो इसमें भी हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य देश का भला है, देश का हित है, देश की एकता अखंडता है। तो हमें इस देश के कानून का समर्थन करना चाहिए और आने वाले भविष्य को उज्ज्वल करना चाहिए। इस देश की माता और बहनों को सम्मान देने के लिए जो कानून देश के हित में हो उसको लाना चाहिए, और इसका प्रचार प्रसार कर जल्द से जल्द ये कानून आए, इसका ये लक्ष्य लेकर काम करना चाहिए। यूसीसी के लिए आपकी अपनी तरफ से भी क्या पर्सनली कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को जागरूकता बने? देखिए, ये एक सामाजिक दृष्टि से किया गया कार्यक्रम है, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील और भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट, उन्होंने आकर ये विषय रखा अश्विनी जी। वो इस कार्यक्रम के पीछे केवल एकमात्र उद्देश्य है कि समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, क्योंकि उनका दिन भर लोगों से मिलना जुलना रहता है, जब वो इस उद्देश्य को अपने ध्यान में रखकर उसका कंटेंट उनको क्लियर होगा तो वो इसको लोगों को कन्वे कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं इसमें लोगों की सहमति बनाने में सरकार के प्रति एक आसानी रहेगी। तो इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हमने किया और आगे भी करेंगे। मेरा नाम विपिन यादव है, डीएलएफ फेज 2 का निवासी हूं। जो आज का ये प्रोग्राम सर, मुख्य उद्देश्य यही है, हम हिंदुस्तान जैसे देश में रह रहे हैं, करोड़ों की जनसंख्या है, लेकिन आज भी सभी के लिए एक कानून नहीं है। हमारे ही देश की कुछ बहन बेटियां हैं जो वंचित रह जाती है, हमारे देश के कुछ नागरिक हैं जिनको आवश्यकता के हिसाब से कानून में सहायता नहीं मिल पाती। वो सहायता मिल पाए, ये विषय आया तो मुझे लगा कि मुझे अपनी सोसाइटी के सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और विषय को उन तक पहुंचाना चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा अश्विनी उपाध्याय जी का, मनीष यादव जी का, जिन्होंने ये विषय यहाँ आकर रखा और सभी तक पहुँचाया, ताकि लोग के जो क्वेश्चन हैं वो भी उन्होंने लिए, हर एक का उनको उत्तर भी मिला। सर, कितना सफल हुए आप इस कार्यक्रम को करने के बाद, क्या लगता है कितनी लोगों में जागरूकता आने वाली? सर, किसी भी कार्यक्रम की सफलता को पैमाना इस बात से नापा जाता है कि जब अंत में जहां से लोग जाएंगे तो वो लेकर क्या जाएंगे, लेकिन मैं उनके चेहरों को देखकर अंदाजा लगा सकता हूं कि जिस तरीके से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, अपने आप को लेकर ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब इन सवालों का जवाब मिल गया। क्योंकि जब ये विषय मैंने रखा तो मेरे पास कम से कम 300-400 क्वेरीज आई हैं कल ही हमने ये प्रोग्राम करने का फाइनल किया, और कल में 300-400 लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या हो गया। और बड़ी बात यह है कि अश्विनी जी ने लगभग हर प्रश्न का उत्तर सही तरीके से देने की कोशिश की और लोग संतुष्ट नजर आ रहे थे। सर, आप गुड़गांव वासियों को और खासकर डीलर्स वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से ये समझा, जो हमारे व्यूअर है और नकली चैनल के उनको ये पता लगे कि यूसीसी क्या है, ये आज क्या महत्वपूर्ण देसी बात। भाई, हमारे घर में चार बालक हैं, चारों का बराबर अधिकार होना चाहिए। नून ये है, अगर भाई एक का तो दे दो सारी संपत्ति और एक रुड़ता अंड, ऐसे नहीं चलेगा। सबका बराबर अधिकार होना ही चाहिए। वो बच्चे, वो महिला भी हो सकती है, वो जेंट्स भी हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे सबका बराबरी का अधिकार। सिर्फ एक लाइन में मुझे लगता है सारी बातें खत्म हो जाती है। संयोजक राष्ट्र चेतना समिति गुरुग्राम। दास जी, समय समय पर आप प्रोग्राम कराते हो,
आज आपने जो प्रोग्राम कराया हुआ है नेशनल लॉ का, तो क्या रहस्य छुपा है कि आप समय समय पर ऐसे प्रोग्राम कराते हैं? देखो, हमारी राष्ट्रीय चेतना समिति का उद्देश्य ही यही है कि जनता को जागरण करना। जो नेता है वो वोट के चक्कर में जनता को भ्रमित करते रहते हैं। जनता को सच्चाई पता चले कि क्या सच्चाई है, वन नेशन वन लॉ का क्या उद्देश्य है, इसका मेन पर्पज क्या है और ये है क्या। ये कोई यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसीलिए जनता को अवेयर करने के लिए हम बार बार ये प्रोग्राम करते रहते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैं तो जनता से अपील करूंगा कि और भी सेक्टरों में, गुड़गांव में, पूरे देश में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि जो जनता है वो इसके बारे में पूरी जानकारी ले सके और जो सभ्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो इसको समझ सकें और उसके बाद अपने वोट का प्रयोग कर सकें। यूसीसी के बारे में थोड़ा गुड़गांव की जनता को अवेयरनेस आ जाए, थोड़ा बताएं उनको कि ताकि उनको पता लगे कि यूसीसी क्या है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा भ्रमित हैं यूसीसी के बारे में। देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसमें शादी से रिलेटेड जो एज है वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। संपत्ति से रिलेटेड अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग हैं। वो सारी चीज़ें एक छत के नीचे आ जाएंगी, एक छाते के नीचे आ जाएंगी। पूरे देश के अंदर एक जैसा कानून होगा तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। सभी धर्म के लोग एक कानून में आएंगे, एक तरह एक्ट करेंगे, जिससे जजेज भी, पुलिस को भी, जैसे जीएसटी हुआ वन टैक्स वन नेशन, इसी तरीके से वन नेशन वन लॉ, ये बहुत जरूरी है। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, हिंदू लोगों का भी फायदा है। सबसे ज़्यादा फायदा माइनॉरिटीज को है, जो लोग इसमें फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो समझते हैं कि हमारे साथ दुर्भावना से ये लगाया जा रहा है, ये वन नेशन वन लॉ लाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा फायदा उसी उन्हीं लोगों को है। सर, इसका नाम ICC कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा? बिल्कुल, ICC कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडियन पेनल कोड, इंडियन सिविल कोड, बिल्कुल अच्छा रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है।